हेलो रन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज का जो मैं जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूँ वो IBPS बैंक PO का है। इसमें मोर देन 6400 वैकेंसीज आई हैं और अच्छी जॉब है इसमें। जो आपकी इन हैंड सैलरी बनती है वो 55,000 के आसपास बनेगी आफ्टर एवरी अलाउंसेज एंड डिडक्शन। इतना लगभग अमाउंट आपके बैंक में आ जाएगा। ये जॉब नोटिफिकेशन मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसका जो सिलेबस है और प्रिपेरेशन है वो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर आपका इंग्लिश का पार्ट, एप्टीट्यूड का पार्ट, रीजनिंग का पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत इजीली इस एग्ज़ाम में एक सीट ज़रूर निकाल लेंगे क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से बैंक इंक्लूड है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इन फ्यूचर और भी बैंक्स इंक्लूड होंगी जिनसे वैकेंसीज और भी आएंगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम की डेट्स वगैरह सारी मैं बताऊंगा, वैकेंसीज की डिटेल बताऊंगा किस बैंक में कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट सारी आपको मैं बताऊंगा, पूरा सेलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा कि प्री किस तरीके से होगा, मेंस किस तरीके से होगा, इंटरव्यू किस तरीके से होगा, क्या क्या अप्रोक्स क्या क्या क्वेश्चंस का वेटेज इसमें रहेगा, क्या फाइनल स्कोरिंग का वेटेज रहेगा, सारी डिटेल और एग्जाम पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा और प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इस एग्ज़ाम में कितना इजीली जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। पूरा टाइमिंग के साथ एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ये पूरा नोटिफिकेशन देखने के बाद 100% आपको लगेगा कि इस जॉब के लिए मैं बहुत इजीली एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, मैं इसके अलावा ये और प्लानिंग कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ और उससे रिलेटेड कुछ लेक्चर्स हम आपके लिए बनवा दें ताकि पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाए। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है कमेंट में लिख के बताएंगे ताकि एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा तो फिर मैं वो कोर्स तैयार करवा लूँगा विद टेस्ट सीरीज़। ठीक है, उसमें हम इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी करवा देंगे क्योंकि इसमें इंटरव्यू का जो पार्ट है वो 100 मार्क्स का है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम वैकेंसीज पे फोकस करेंगे। वैकेंसीज इनकी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, PNB, पंजाब एंड सिंध बैंक, UCO बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये टोटल 11 बैंक के नोटिफिकेशन इसमें इंक्लूडेड है। इनकी वैकेंसीज इंक्लूडेड हैं और भी बैंक इन फ्यूचर अगर आती हैं तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेट जो वैकेंसीज आपकी रहेंगी वो 6432 है। ठीक है, लगभग आपकी सैलरी 56,000 मैंने लिख दिया है, बट ये वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन बैंक, है ना। इन सब भी बैंक में मिनिमम आपको 50,000 इन हैंड मिलेगा, मैक्सिमम आपका अप टू 56,000 जाएगा। ठीक है, तो ये हर एक बैंक का थोड़ा बहुत अलाउंसेज में डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस हैं, उस वजह से आपका वेरी करेगा। ठीक है, मिनिमम 50,000 तो आपको इन हैंड मिलना ही मिलना है। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वो आप देख सकते हैं, बट ये नंबर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बहुत इजी एंट्री आपको मिल सकती है अगर आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सिलेबस भी आप देखेंगे तो आपको डायरेक्टली आइडिया लग जाएगा कि ये आपके लिए कितना इजी है। ये एग्ज़ाम डिफिकल्ट उन लोगों के लिए हो जाता है जिन लोगों ने BSc करी है, जिन्होंने कभी एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए मे भी थोड़ा डिफिकल्ट हो, आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन वो ऑलरेडी इनका स्टार्ट हो चुका है, 2 अगस्त से 22 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन है तो आप तुरंत से अप्लाई कर देंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। प्री का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में आएगा, एग्जैक्ट डेट्स इनकी अभी नहीं आई है, मतलब अभी आधा अगस्त और पूरा सितंबर, 1.5 महीना मिनिमम आपके पास है, जिसके लिए प्री का कोर्स मैं लेके आऊँगा, आपको नोटिफाई कर दूंगा कैसे कैसे आपको वो ज्वाइन करना है। गिवन दैट एक सर्टेन नंबर मेरे को कमेंट में बताएगा कि उनको रिक्वायरमेंट है। मेंस का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर होगा, मतलब अक्टूबर के सितंबर अक्टूबर में आपका प्री हो जाएगा, नवंबर में फिर आपका मेंस हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस दोनों में सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा, 1 महीना मोर देन सफिशिएंट है वो डिफरेंस कवर करने के लिए। इंटरव्यूज़ जो आपके हैं जनवरी या फरवरी के आसपास हो जाएंगे और फिर फाइनल अलॉटमेंट आपका अप्रैल तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए सलेक्शन प्रोसेस देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप में होगा, प्री होगा, मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा। ठीक है, प्री आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है, मतलब इसके मार्क्स जो है वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड है। ठीक है, मेंस मेंस प्लस इंटरव्यू जो रहेगा उसका मार्क्स जुड़ के आपका फाइनली एड अप होगा मेरिट लिस्ट में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। प्री का जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्वेश्चन का वो मैं आपको बताऊंगा। नेगेटिव मार्क आपका 0.25 है पर क्वेश्चन। ठीक है, और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा।
मेंस जो एग्ज़ाम है उसमें आपका रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, जनरल इकोनॉमिक्स रहेगा, बैंकिंग रहेगा। इसमें आपके 155 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 200 नंबर के होगा, 3 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें आपका एक लेटर और एक ऐसे 2 क्वेश्चन हो गए, टोटल 25 मार्क्स का होगा जिसमें आपको 30 मिनट मिलेगा। इंटरव्यू जब आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और फाइनल जो आपका स्कोर निकलेगा, मेंस का वेटेज 80% रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज 20% रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्री में आपके इंग्लिश लैंग्वेज के जो है 30 क्वेश्चन आएंगे एक एक मार्क्स के, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स आपके रहेंगे, एक एक नंबर का रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी जो क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोल देते हैं वो भी 35 क्वेश्चन होंगे और आपका 35 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। सब में आपको 20-20 मिनट मिलेगी और टोटल 60 मिनट मिलेगी, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा प्री, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक है ये, तो जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएसयूज की तैयारी कर रहे हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट उनको आता ही है। प्लस स्पेसिफिकली इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड कुछ कोर्सेज हम ले आएंगे। मेंस की अगर हम बात करें, मेंस में आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है, इसके 45 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन होंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन होंगे। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको एक महीने में पढ़ना पड़ेगा, जिसके 40 क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, बेसिक सिलेबस है, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका लेटर राइटिंग और एसे के 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 25 नंबर के होंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको 3 घंटा मिलेगा जो ये वाली चीज़ें हैं, और एसे राइटिंग के लिए आपको 30 मिनट मिलेगा, ठीक है। वेटेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा जिसमें 80% वेटेज फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका मेंस एग्जाम का होगा, 20% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। प्री का सिर्फ कट ऑफ है, प्री में आपका मेंस में फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर ऐड नहीं होगा प्री का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड है। सिलेबस पे अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट, सोशलिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, पजल, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपके टॉपिक्स हैं। प्लस आपके क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड है उसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर एंड सीरीज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एवरेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत ही ईजी टॉपिक है। फटाफट से बेसिक देखेंगे तो टक से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का जो 40 क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा और स्टैटिक जीके रहेगा, ठीक है। स्टैटिक जीके बहुत इजी रहता है, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसमें टोटल आपका 40 क्वेश्चंस आएंगे, तो इसका भी एक कोर्स हम बना सकते हैं। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से आपको नहीं देखना चाहिए, जनरल के लिए जनरल ओबीसी की कट ऑफ सेम थी, एससी की इतनी थी, एसटी की 38 थी और ईडब्ल्यूएस की भी सेम थी, तो मतलब ये सारी कैटेगरी की कट ऑफ सेम थी। कट ऑफ पे आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि पेपर ऐसा है कि आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपकी रैंक ठीक आएगी, रैंक ठीक आएगी तो आपको लोकेशन ठीक मिल जाएगी, आपकी प्रेफर्ड चॉइसेस में से लोकेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी कोई डाउट या क्वेरी इस पर्टिकुलर एग्जाम से तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कोर्सेज जैसे डेवलप हो जाएंगे तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अपडेट करके कोर्सेज का लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।